हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, आप अपनी एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 20 ओपन करो। दिस इज पेज नंबर 20। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट फुल एंड हाफ। फुल एंड हाफ। फुल क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। हाफ क्या होता है? आधा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट द टिक। टिक मतलब राइट का साइन ऑन द फुल। जो फुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर टिक करना है और जो हाफ है उनके ऊपर क्रॉस करना है। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट पिक्चर विद द फुल एप्पल। दिस इज अ फुल, दिस एप्पल इज फुल, पूरा एप्पल है ना। सो इसको टिक करो, ये भी पूरा है, टिक करो। ये हाफ है ना, तो इसको क्रॉस कर दो। ओके, ये फुल है, ये भी फुल है, अब इन दोनों को टिक कर दो। ठीक है, अब देखो, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। ये पानी का ग्लास है, ये देखो पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, तो दिस इज फुल। ये देखो, ये आधा है, हाफ है, हाफ तो इसको क्रॉस कर देंगे। ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, इसको टिक कर देंगे जो फुल है। ओके, नाउ वी हैव टमेटोज। दिस इज फुल टमेटो, दिस इज ऑल्सो फुल, दिस इज हाफ, सो क्रॉस द हाफ and remaining all are full, so tick all the full tomatoes. Okay, now oranges, we have oranges, these 1 2 3 4, ye full hai, theek hai, aur ye half orange hai, so cross the half and tick all the full oranges. Okay, now this is a circle, 1 2 3 4, these are full circles, so tick all the full circles. And this is half circle, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। हाफ सर्कल क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। तो ये क्या है? हाफ सर्कल, इसको क्रॉस करो। ठीक है बच्चे, नाउ बच्चे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू कंसेप्ट, वन मोर कंसेप्ट। एक ये कंसेप्ट है न्यू एंड ओल्ड का। ठीक है, नाउ आई हैव दीज टू बुक्स। ठीक है, दीज टू बुक्स देखो, अब ये मैं ओपन करती हूँ। ओके, सो देखो इस पे मैंने कुछ कुछ राइट किया हुआ है ना, ये देखो, ये कुछ कुछ राइट किया हुआ है, और ये थोड़ी सी देखो कैसी सी लग रही है ना, पुरानी पुरानी सी लग रही है, और ये देखो बिल्कुल न्यू न्यू बुक है ना, और ये देखो कितने फ्रेश पेजेस हैं, मैंने इस पे कुछ राइट नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू बुक, दिस इज एन ओल्ड बुक, न्यू ओल्ड, न्यू ओल्ड। जो नया होता है वो न्यू होता है, जो पुराना होता है वो ओल्ड होता है। ठीक है, जो नया होता है वो न्यू होता है, जो पुराना हो गया वो ओल्ड हो गया। ठीक है, ओके। अब जैसे आपके घर में दादाजी रहते हैं ना, दादू दादी रहते हैं, तो वो ओल्ड कैसे हुए? ओल्ड इसलिए हो गए क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए, है ना। और हम कहते हैं ना, कभी कभी अब कोई न्यू न्यू बेबी होता है तो उसको कहते हैं ना, न्यू बेबी आया है हमारे घर में। वो न्यू इसीलिए है कि वो अभी अभी आया है, है ना। सो दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ कंसेप्ट टेलिंग दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड। न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। ओके बेबी, ओके, बाय बाय, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू कंसेप्ट। ओके, बाय बाय।